जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे क्लास 10 केमिस्ट्री के पेपर की, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, और इसके तमाम सवालों के जवाब की तरफ जो है हम चलेंगे, की बनाएंगे। सो पहला सवाल किया गया, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl5 एंड KC, तो इनका यूनिट जो है वो क्या होगा? तो अब याद रखो, PCl3 और Cl2 जो है वो आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं PCl, यानी कि दो मोल जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एक मोल, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। ये देखो कि दो मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं एक मोल, यानी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट 1/2 होगा, यानी मोल पर Dm³/1/mol/Dm³/2 होगा। एक पावर से कट जाएगी, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, मोल नेगेटिव 1 Dm³ पॉजिटिव, तो इसका यूनिट ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको ठीक आंसर नज़र आ रहा है वो होगा नेगेटिव मोल और Dm³, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। तो पहले का आंसर जो है वो क्या होगा, सी होगा। उसके बाद कंजुगेट एसिड ऑफ HPO42 नेगेटिव जो है वो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब जो है हमारे पास होगा H2PO4-1, ये, यानी यहाँ पर भी सी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। तो दूसरे का भी जो जवाब होगा हमारे पास वो क्या होगा, सी होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ बेस, यानी कि इनमें से कौन सी जो है वो बेस नहीं रहेगी? तो प्यारे बच्चों, सोडियम क्लोराइड जो है वो बेस नहीं होगी। एक्व सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया भी बेसिक इन नेचर है, सोडियम कार्बोनेट भी बेसिक इन नेचर है, और कैल्शियम ऑक्साइड भी बेसिक इन नेचर है। लिहाजा इसका जवाब जो है वो होगा थर्ड का, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमसे ये किया जा रहा है कि कोल के अंदर 90% कार्बन होता है, उसको क्या कहोगे? यानी बेहतरीन क्वालिटी का कोयल है जिसमें कार्बन मैक्सिमम है, पीट घटिया तरीन होता है, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट एंड बिचामनस। तो यहाँ पे हम जो है वो कैटेगराइज करेंगे एंथ्रासाइट को। यहाँ पे भी ऑप्शन जो है वो सी ही राइट आंसर होगा, लिहाजा सी इज द राइट आंसर फॉर द फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि विच ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स विल नॉट अफेक्ट ऑन ब्रोमीन वाटर, मतलब ब्रोमीन वाटर के साथ किसका इफेक्ट नहीं होगा? तो ब्रोमीन वाटर देखो, ये सारे अनसेचुरेटेड हैं, बी सी और डी, ठीक है, ये डीकेन है, इथेन है, ये इथीन है, ये डीकीन है, ये इथीन है, और ये इथाइन है। सिर्फ मीथेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लिहाजा पांचवे का आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो पांचवे में याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है वो ठीक होगा। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डायसैकेराइड, तो डायसैकेराइड में से कौन सा है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, फ्रुक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, सुक्रोज डायसैकेराइड है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है? तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सी। तो लिहाजा इसमें आपका आंसर जो है वो सी बनेगा। उसके बाद अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टेस्टलेस, इसमें से किसका टेस्ट नहीं होगा, ग्लूकोज मीठा होता है, सुक्रोज भी मीठा होता है, फ्रुक्टोज भी मीठा इन नेचर होता है, लेकिन स्टार्च का कोई टेस्ट नहीं होता, पॉलीसैकेराइड टेस्टलेस होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सातवें का, ऑप्शन नंबर ए। लिहाजा इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। उसके बाद सॉल्व किया जा रहा है 99% एटमोसफेयर जो है वो कितने मास में होता है? तो 99% एटमोसफेयर जो है वो आपको पहले 30 किलोमीटर में नज़र आएगा, ये ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि एटमोसफेयर वाला चैप्टर है। तो लिहाजा तकरीबन 99 एटमोसफेयर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में, 30 किलोमीटर में। तो लिहाजा आठवें का भी जो है वो जवाब होगा ऑप्शन नंबर एट का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद सवाल किया जा रहा है जनाब, विच मेटल इन एसिड रेन अफेक्ट द एक्वेटिक वेयर क्लॉगिंग ऑफ फिश गिल्स, फिश गिल्स को कौन क्लॉग करता है? तो प्यारे बच्चों याद रखना, एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो मछलियों को क्लॉग करता है, उनकी गिल्स को ख़राब करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि
नाइन्थ का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। बाकी भी करते हैं मसाइल, लेकिन क्लॉगिंग का काम एल्यूमिनियम करता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है पानी की? तो इट इज़ समथिंग लाइक 4.2 किलो जौल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, खाली जौलिंग लिखेंगे आप तो 4.2 का जो है वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपको वाटर से सवाल आ गया तो 10 का आंसर जो है वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट मेक्स वाटर परमानेंटली हार्ड। तो सल्फेट्स और क्लोराइड्स करते हैं, तो ये देखें सल्फेट्स का ऑप्शन यहाँ पे, ये कैल्शियम सल्फेट आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो लिहाजा 11वें आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं अपने लास्ट एमसीक्यू की तरफ। क्रूड ऑयल के हीट करें तो फर्नेस के अंदर कितना हीट अप करना पड़ता है? तो क्रूड ऑयल को 400 डिग्री तक जो है प्यारे बच्चों हीट अप करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जनाब शॉर्ट क्वेश्चंस, उसको देख लें। शॉर्ट क्वेश्चंस में इरिवर्सिबल रिएक्शंस पूछे गए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन पूछे गए, कोल कैसे बनता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें, डिफाइन करें इसको, और ईस्टर ग्रुप क्या होता है, एसीटेट इथाइल एसीटेट का फार्मूला लिखें, अल्काइल रेडिकल्स कैसे बनते हैं, अल्कीन्स ओलेफिन्स क्यों कहते हैं, टू यूज़ लिखें इथीन की, उसके बाद सॉल्ट न्यूट्रल क्यों होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं, हाउ आर द सॉल्ट्स नेम्स, सॉल्ट्स को नाम कैसे रखा जाता है, सिग्निफिकेंस लिखें विटामिंस का, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में डिफरेंस कर दें, फार्मूला भी बनाएं, कैपिलरी रिएक्शन क्या होता है, फिर केमिस्ट्री ऑफ रिमूविंग टेम्पररी हार्डनेस बताएं, और मॉलिक्यूल जो हैं वो पोलर क्यों होते हैं, ये भी शॉर्ट है। एसिड रेन क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या है, ओजोन लेयर जो है वो क्यों ज़मीन पर बेनिफिशियल है, और पाइन ऑयल का फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या अमल है, क्या इसका अमल दखल है, एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाता है, कैल्सिनेशन का अमल होता है ये, फिर है जी यूजेज ऑफ कैरोसिन ऑयल इसके बारे में बताना है, और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा रहता है लॉन्ग का बच्चों के लिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बारे में पूछ लिया गया। अमूमन बच्चों को मैं लॉन्ग बताता हूँ, केसी जो है वो डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन के लिए हेल्प करती है, हार्ड वाटर के बारे में बताएं, दो मैसेज रिमूव कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा और सोडियम ज्यूलाइट का इस्तेमाल करके आप ये रिमूवल कर सकते हैं। केसी में डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन के बारे में सिर्फ पूछ लिया गया। डिस्क्राइब यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये मैंने लॉन्ग बताया था बच्चों को। बेसिमराइजेशन प्रोसेस के बारे में पूछ लिया गया, बैलेंस केमिकली के साथ मैंने रोस्टिंग स्मेल्टिंग और बेसिमराइजेशन तीनों बताए थे, और फोर यूज ऑफ इथाइलिन पूछ लिया गया। तो एसीटाइलिन और इथाइलिन दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इथाइलिन बल्कि ये एसीटाइलिन ही है, नहीं बल्कि ये इथीन है, इथाइलिन जो है ना इसको इथीन को कहते हैं, तो बस ये याद रखनी थी बात। तो मेरे बच्चों ये था आपका पेपर, होप सो आपको जॉब सारे मिल गए होंगे एमसीक्यूज के और शॉर्ट को। मजीद वीडियोज़ के लिए चैप्टर के साथ रहना है आपने, इस वीडियो के साथ रहना है, हमारे चैनल के साथ रहना है, सब्सक्राइब लाजमी करना है। थैंक यू सो मच।